ये कहानी है एक कृति नाम की लड़की की। कृति अपने स्कूल के अंदर हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रही थी। वो मेहनत तो करती थी, वो पढ़ाई तो करती थी, बट होता क्या था ना कि जब भी वो एग्जाम में जाती थी तो सारी चीजों को भूल जाती थी, क्योंकि बचपन से ही उसकी जो मेमोरी पावर थी ना वो बहुत ज्यादा वीक थी। उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार सब उसे ताना मारते थे कि यार तू कितनी मेहनत कर ले, कभी तू अपने स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर कभी टॉप नहीं कर पाएगी। पर वो भी खुद से एकदम हार चुकी थी। उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसे लगता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसने हार मान ली थी और वो कृति कुछ समय बाद अपने क्लास के, अपने स्कूल की टॉपर बनती है। पता है कैसे? क्योंकि कुछ समय बाद उसे यह पता चल जाता है कि जो ब्रेन की जो मेमोरी पावर होती है ना, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ ऐसे ब्रेन गेम्स होते हैं जिनकी मदद से 21 दिन के अंदर कृति ने अपनी मेमोरी पावर को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। और ये चीज आप भी कर सकते हो, बस आपको ये 3 ब्रेन गेम्स को डेली 21 दिन तक प्रैक्टिस करना है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अभी आपने कहानी सुनी ना कृति की, ना जाने शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरी पावर ना बहुत ज्यादा वीक रह जाती है। और आसपास में आप अपने पेरेंट्स, रिश्तेदारों से बात करेंगे तो हर कोई उन्हें ये बोलेगा कि यार तेरी मेमोरी पावर तो ना बचपन से वीक है। उन्हें सब ताना मारते हैं बट उन्हें कोई ये नहीं बताता कि हाँ मेमोरी पावर भी इंक्रीज की जा सकती है। साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल है, वो भी कम समय के अंदर पॉसिबल है। अपने ब्रेन को तेज किया जा सकता है और आज वही 3 ब्रेन एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने वाला हूँ। बट पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, प्लीज इसे ऐसे बैठे बैठे मत देखो, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो आपके ब्रेन को 21 दिन के अंदर बदलने वाला है। तो 3 ब्रेन गेम्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ जो कि कृति ने फॉलो करी। तो पहले ब्रेन गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कृति क्या करती थी डेली लाइफ में, मैं आपको समझाता हूँ। कृति क्या करती थी, जब रात को सोने जाती थी तो सोने जाने से 10 मिनट पहले वो बड़ा ही एक अच्छा काम करती थी। वो एक नोटबुक पेन लेती थी और अपने दिन को रिकॉल करती थी, अपने डे को रिकॉल करती थी, उसके बारे में सोचती थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मैंने क्या क्या करा। अच्छा, सबसे पहले मैं सुबह उठी थी, फिर मैं स्कूल गई थी, स्कूल में मेरे साथ ये हुआ, इसने ये बोला, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, उसके बाद मैं घर आई, घर जाके मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं ट्यूशन या कोचिंग गई, उसके बाद मैं वापस घर आई, मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े और उसके बाद अब रात हो गई है। वो पूरे अपने दिन को क्या करती थी, रिकॉल करती थी। एंड ये जो टेक्निक है, इसने कृति की मेमोरी पावर को 21 दिन के अंदर बदल दिया। अब तुम्हें शॉक लग रहा होगा कि इससे क्या हो रहा है, ये टेक्निक से क्या फायदा है यार। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्निक होती है ना, एक तरीके से रिवीजन टेक्निक होती है। जैसे कि जब आपको कोई भी सब्जेक्ट याद करना है, इमेजिन करो आपको हिस्ट्री समझ नहीं आता, हिस्ट्री जब आपको याद करना होता है आप क्या करते हो, 2-3 बार पढ़ते हो, है ना, उसके बाद जाकर आपके दिमाग के अंदर वो चीज बैठ पाती है। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं डेली लाइफ में, 21 दिन तक हमें क्या करना है, अपने दिन को रिकॉल करना है, उसके बारे में सोचना है कि आज मैंने ये करा, ये करा, वो करा, उससे क्या होगा, ये जो आपका ब्रेन है, इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट करेंगे। और जब ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि उससे आपकी मेमोरी पावर बहुत हद तक इंक्रीज होती है। डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, एक हैबिट बना लो। कृति ने हैबिट बनाई और वो एवरेज से टॉपर बनी। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है तो पहली ये चीज तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। टेक्निक नंबर 2, कृति ने कुछ ब्रेन गेम्स को फॉलो करा। हाँ, ब्रेन गेम्स। अभी ना तुम्हें सुनकर शॉक लग गया होगा, क्योंकि हर कोई बोलता है गेम्स नहीं खेलने चाहिए, गेम्स तो बहुत बेकार होते हैं। बट आज मैं आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूँ, जो गेम्स होते हैं ना, हर प्रकार के गेम्स आपके माइंड को और ज्यादा मजबूत करता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जो गेम्स तुम खेलते हो ना, फ्री फायर वगैरह वगैरह, इनसे ना आपको एडिक्शन हो जाती है, और एडिक्शन बुरी होती है। गेम्स बुरे नहीं होते, गेम्स की एडिक्शन बुरी होती है। अब ये जो कृति थी, ये कौन कौन से गेम खेलती थी जिससे कि 21 दिन के अंदर इसकी ब्रेन पावर, इसकी जो मेमोरी पावर थी वो इंक्रीज हो गई, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो देखो, पहले तो एक कुछ डेली बेसिस के गेम खेलती थी, जैसे कि कुछ ऐसे गेम्स होते हैं ना जिससे कि आपके जो राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है वो एक्टिवेट होता है। जैसे कि मेरे साथ भी आप कर सकते हो, एक हैंड से ऐसे वी वाला सिंबल करो और दूसरे से ऐसे अपना जो हैंड है इसको बंद करो। अब इसको आप स्विच कर सकते हो, ऐसे 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 आप स्विच कर सकते हो। जब आप ये करते हो ना, तो इससे पता क्या हो रहा है, आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी पावर धीरे 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 इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा आप अपने ब्रेन को शॉक दे सकते हो। शॉक कैसे मिलेगा, जब आप कुछ नया काम करोगे, जैसे कि सुबह उठ के क्या कर रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, आप अपने राइट हैंड से ब्रश करते होगे, अब आप क्या करो, कभी कभार जाओ और अचानक से सुबह उठो और लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को एक शॉक लगेगा। और जब ब्रेन को शॉक लगता है ना, तो ब्रेन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और
जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज हो सकती है। ये तो थे डेली बेसिस वाले गेम। अब मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक गेम्स, कुछ तीन ऐसे साइंटिफिक गेम्स जो कि कृति डेली बेसिस पे खेला करती थी। देखो पहला जो गेम है वो अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ 10 चीजें आपको दिख रही होंगी, ये डेली बेसिस के आपका सामान है, जैसे कि चेयर, टेबल, ऐसी कुछ आपको 10 चीजें आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अब ये जो 10 चीजें है ना, अब आपको 10 सेकंड मिलेंगे और 10 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को रिकॉल करना है, याद करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, तो एक बार आपका मेमोरी टेस्ट ले लेते हैं। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें आ चुकी हैं और आपको मिलते हैं यहां से 10 सेकंड। और यहां पर हुआ आप सभी का टाइम समाप्त। और अब आपको क्या करना है, मैंने आपको शुरू में बोला था एक पेन और एक कॉपी आपको लेकर बैठनी है। अब आपको क्या करना है, जो भी चीजें आपने देखी थी उन सारी चीजों को उस पेन और कॉपी पे लिखना है। एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करो और लिखने का ट्राई करो। अब आप अगर लिखने का ट्राई कर रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सारी की सारी चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाए होगे। शायद आपको 5 चीजें याद होंगी, 7 चीजें याद होंगी, 8 चीजें याद होंगी। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको 10 की 10 चीजें याद होंगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जिनको 10 की 10 चीजें नहीं याद है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस में मेमोरी की प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर कुछ भी अपने आसपास में दिख रहा है ना, जैसे अभी आप अपने रूम में बैठे हो, कहीं बाहर बैठे हो, तो अपने आसपास में देखो क्या क्या है आसपास में और उसे याद करने की कोशिश करो। इससे क्या हो रहा है, हम हमारे दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम क्यों जाते हैं, अपने मसल्स को ट्रेन करने के लिए। सिमिलरली ऐसी एक्सरसाइजेस से आपका ब्रेन ट्रेन होता है। तो ये था हमारा गेम नंबर 1। अब बढ़ते हैं गेम नंबर 2। और ये जो गेम है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से कृति ने अपनी ब्रेन पावर, अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करा। अब देखो इसके अंदर आपको रैंडमली आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको 30 सेकंड के अंदर 1 से लेकर 25 ऑर्डर के अंदर नंबर को ढूंढना है, एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ढूंढना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपको जो नंबर 1 है वो यहां पर दिख रहा है कि ये रहा मेरा नंबर 1, फिर है नंबर 2, फिर कहां पर है आप तीसरा नंबर ढूंढ सकते हो नंबर 3, फिर है नंबर 4, ऐसे। और आपके पास होंगे 30 सेकंड। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वापस आ जाएगा और अब यहां से मिल रहे हैं आपको 30 सेकंड। और आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आप 30 सेकंड के अंदर इन 25 में से कितने नंबर ढूंढ पाए। तो पहले आप ट्राई करो 30 सेकंड और उसके बाद ट्राई करने के बाद कमेंट में जरूर बताना। तो यहां पर होता है आप सभी का टाइम खत्म। अब आपको कमेंट में बताना है कि कितने 25 में से नंबर आप याद कर पाए, फटाफट से रियल आंसर देना है ना। कुछ स्टूडेंट होंगे जो शायद 25 में से 25 नंबर ढूंढ दिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि 25 में से शायद 10 ढूंढ पाए होंगे, 15 ढूंढ पाए होंगे और कुछ ढूंढ पाए होंगे। तो वही आपको आज कमेंट के अंदर बताना है रियल आंसर कि आप कितने नंबर ढूंढ पाए। चलिए, तो ये थी हमारी ब्रेन एक्सरसाइज 2। और थर्ड एक्सरसाइज जो कि है कलर गेम, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये आप डेली बेसिस पे भी खेल सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं और आपको कलर दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स नहीं बोलना, आपको कलर बोलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा तो ब्लू है, बट कलर क्या है, कलर बताओ, कलर है ये क्या, रेड। तो आपको ब्लू नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, रेड। जैसे ये कलर मान लेते हैं हम, ये कलर है पिंक, इसको पिंक मान लेते हैं, वैसे पर्पल है बट हम इसको पिंक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आप रेड नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पिंक। ठीक है, अगला लिखा है येलो बट कलर क्या है, कलर है ब्लू, तो इसको आप बोलोगे क्या, ब्लू। अगला लिखा है ग्रीन बट कलर क्या है, येलो। एक बार फटाफट से ट्राई करो कि आप कितनी जल्दी 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 क्या कलर्स को बोल सकते हो, क्योंकि होगा क्या ना, अब बार बार वर्ड्स बोलोगे, बट यहीं पर ही तो हमारे हमारे दिमाग को ट्रिक करना है, हमें कलर बोलना है ना कि वर्ड्स। एक बार फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे, ये क्या है, ये है रेड, ये क्या है, ये है पिंक, ये क्या है, ये है ब्लू, ये क्या है, ये है येलो, ये क्या है, ये है ग्रीन, ये क्या है, ये है येलो। ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, आपका जो ब्रेन है वो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट हो पा रहा है और ब्रेन के ऊपर आपका कंट्रोल बन रहा है और आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 3 ब्रेन गेम्स थे ना, अगर आपने इनको फॉलो करा, आप डेली बेसिस पे खेलो, 1-2 दिन में खेलो, कभी भी आप ट्राई करो, जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, ट्रस्ट मी, आप कृति की तरह अपनी मेमोरी पावर को बहुत जल्दी इंक्रीज कर पाओगे। अब एक लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग। अब तुम बोलोगे ये कैसा बेकार सा मेथड है, पानी सुबह पीना है, प्यास लगेगी तो पियेंगे। नहीं, सुनो मेरी बात, एक बहुत डीप साइंस है सुबह उठ के पानी पीने में। सुबह उठ के आप क्या करते हो,
80% लोग सुबह उठते क्या करते हैं, ब्रश। ये नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको, सुबह उठते पानी पीना है। क्यों, ऐसा क्यों? पुराने जमाने से बोलते आ रहे हैं कि पानी पियो सुबह उठते ही, क्यों बोलते हैं वो? इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट आज तुम समझ कर जाओ। देखो, जब सुबह उठेंगे हमारी बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड है। जब हम पानी पीते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। जब हम सुबह उठ के पानी पीते हैं तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, वो सेक्रीट होता है। और जब वो सेक्रीट होता है तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारा ब्रेन तेज काम करता है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। तो ये जो साइंटिफिक फैक्ट है ना सुबह उठ के पानी पीने का, उसके पीछे का राज यह है कि जब आप पानी पियोगे तो कॉर्टिसोल आपका रिलीज होगा। तो इस वजह से जब भी सुबह उठ रहे हो, ब्रश बाद में करना, सबसे पहले उठते ही पानी पियो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये एक ऐसा सिंपल स्टेप है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आपकी लाइफ बदल देगा अगले 21 दिन के अंदर। अगर 21 डेज तक आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूँ, आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप भी कृति की तरह अपनी क्लास में एवरेज से टॉपर बनोगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।